हाँ बेटा आगे देखिए, चार प्रॉपर्टीज हमने लिख ली हैं बच्चों, अब आगे देखिए। इस टाइप का कोई भी प्लेन हो, इस टाइप के कोई भी दो प्लेन हो जिसमें एक का पोल दूसरे पर लाई करे और दूसरे का पोल पहले पर लाई करे, तो ऐसी कंडीशन में या ऐसे दो प्लेन को हम संयुग्मी प्लेन, संयुग्मी समतल कहते हैं। सुन रहे बेटा कि यदि ऐसी परिस्थिति आ जाए कि जिसमें एक समतल का ध्रुव दूसरे समतल पे और दूसरे समतल का ध्रुव पहले वाले समतल पर लाई करे, तो ऐसी स्थिति में उनको क्या कहते हैं? संयुग्मी समतल कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुग्मी समतल। कॉन्जुगेट प्लेन्स, एक गोले के सापेक्ष दो समतल संयुग्मी समतल कहलाते हैं यदि कैसी कंडीशन हो कि पहले वाले का ध्रुव दूसरे पर, दूसरे का ध्रुव पहले पर लाई करे, यदि किसी एक समतल का ध्रुव दूसरे समतल पर स्थित हो, यदि किसी एक समतल का ध्रुव दूसरे समतल पर स्थित हो, तो कॉन्जुगेट प्लेन कहलाएंगे दोनों। ठीक है बेटा, टू प्लेन्स विथ रेस्पेक्ट टू अ स्फीयर इज सेट टू बी conjugate planes if pole of plane 1 lies on plane 2. लिखो बेटा डेफिनेशन जल्दी से। अगली प्रॉपर्टी लिखेंगे बेटा, पांचवी प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी लिखेंगे बेटा, पांचवी प्रॉपर्टी। एक दी हुई
रेखा के समस्त बिंदुओं के। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है बेटा? एक दी हुई रेखा के समस्त बिंदुओं के ध्रुवीय समतल किसी दूसरी रेखा से गुजरते हैं। The polar planes of the points of all the points on a given line passes through another line. लिखिए बेटा, लास्ट प्रॉपर्टी है ये, फिफ्थ प्रॉपर्टी, लिखिए इसको। आगे लिखिए, अब हम सी की थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे बेटा इसके एग्जांपल्स। अब हम पढ़ेंगे बच्चों इसके एग्जांपल्स को। तो एग्जांपल नंबर वन है बेटा, बहुत आसान है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं इसके एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं, उदाहरण सॉल्व कर रहे हैं इसके, ठीक है बेटा। एग्जांपल नंबर वन, गोले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फोर वाई प्लस सिक्स जेड माइनस सेवन इक्वल टू जीरो के उन स्पर्श समतलों के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा सिक्स एक्स माइनस थ्री वाई माइनस ट्वेंटी थ्री इक्वल टू जीरो इक्वल टू थ्री जेड प्लस टू में प्रतिच्छेदित करते हैं। Find the equation of the tangent planes. Find the equation of the tangent planes
टू दी स्पेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फोर वाई सिक्स जेड माइनस सेवन इक्वल टू ज़ीरो विच इंटरसेक्ट इन द लाइन सिक्स एक्स माइनस थ्री वाई माइनस ट्वेंटी थ्री इक्वल टू ज़ीरो इक्वल टू थ्री जेड प्लस टू सॉल्यूशन। क्वेश्चन पढ़ लो बेटा अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लो बेटा फटाफट से क्या कह रहा है कि गोले ये गोला के उन स्पर्श समतलों के समीकरण ज्ञात करने हैं चाहिए हमको जो ये जो रेखाएं हैं इनमें प्रतिच्छेदित करते हैं। क्लियर बेटा? तो क्या करेंगे कि इन दोनों रेखाओं से भाई इसमें प्रतिच्छेद कर रहा है तो क्या होगा इन दोनों रेखाओं से गुजरने वाला समीकरण होगा वो क्या होगा इन दोनों से गुजरने वाला समीकरण होगा वो और इन दोनों रेखाओं से गुजरने वाले समतल को लिख देंगे वो करना क्या चाहिए इस गोले को क्या करना चाहिए बेटा स्पर्श करना चाहिए। तो गोले को स्पर्श कब करेगा जब गोले के केंद्र से समतल पर खींचे गए लंब की लंबाई गोले की त्रिज्या के बराबर होगी तो हमें स्पर्श समतलों के क्या मिल जाएंगे बेटा समीकरण मिल जाएंगे। ठीक है ये जैसे ये गोला हो गया बेटा एक की बात कर लेते हैं अपन ये मान लीजिए ये हमारा प्लेन हो गया ऐसे ये इसका सेंटर हो गया बच्चों ये इस पर परपेंडिकुलर हो गया तो स्पर्श कब करेगा भाई वही टेंजेंट लाइन तो बनेगी ना यहाँ पे तो स्पर्श कब करेगा जब इसके केंद्र से इस पर खींचे गए लंब की लंबाई किसके बराबर हो जाएगी त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। तो वही काम अब करेंगे अपन यहाँ पर क्या करें पहले तो इनसे गुजरने वाला समतल लिख दें जैसे एक ये समतल हो गया और एक मान लीजिए ये समतल हो गया बेटा। ठीक है इस पर भी अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पर भी अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे अपन तो क्या होगा इसमें भी लंब की लंबाई किसके बराबर होगी त्रिज्या के बराबर। तो हम पहले इन दोनों रेखाओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण लिख देते हैं बच्चों। दी गई रेखा से गुजरने वाले दी गई रेखा से गुजरने वाले किसी समतल का समीकरण क्या हो जाएगा बेटा इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू दी गिवन लाइन क्या हो जाएगा हमारे पास सिक्स एक्स माइनस थ्री वाई माइनस ट्वेंटी थ्री प्लस लैम्डा थ्री जेड प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो विच एम्प्लाइज सिक्स एक्स थ्री वाई थ्री लैम्डा जेड प्लस टू लैम्डा माइनस ट्वेंटी थ्री इक्वल टू ज़ीरो।
लिखिए प्यारे बच्चों यहाँ तक। लिखो प्यारे बच्चों यहाँ तक लिखो बेटा। लिख लिया क्या बच्चों? अब क्या करेंगे, ये जो गोला दिया हुआ है इसका केंद्र और इसकी त्रिज्या लिखेंगे बेटा। दिए गए गोले, ये पूरा ये इसको इक्वेशन दे दो कि या का केंद्र एवं त्रिज्या रेडियस एंड सेंटर या सेंटर एंड रेडियस ऑफ गिवन स्फीयर क्या हो जाएगा बेटा? केंद्र सेंटर क्या हो जाएगा? वही उससे कंपेयर करो बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशन से, 2ux 2vy 2wz वाली से बेटा। क्या हो जाएगा केंद्र? 2u की वैल्यू 1 आ रही है तो -1, इधर +2 और इधर -3, और रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा? कैपिटल R कितना हो जाएगा इन तीनों के रूट का स्क्वायर सम? -d तो +7, ये कितना आ जाएगा बेटा? 21 अंडर रूट ऑफ 21। अब क्या करेंगे बेटा, इसके केंद्र से इस समतल पर खींचे गए लंब की लंबाई निकाल लेंगे। अब गोले के केंद्र -1, 2, 3 से समतल एक पर खींचे गए लंब की लंबाई क्या हो जाएगी बेटा? नाउ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रोन टू प्लेन 1 फ्रॉम द सेंटर -1, 2, 3 का ऑफ गिवन स्फीयर दैट मान लिया P है वो, तो क्या होगा बेटा? दिस मल्टीप्लाई बाय दिस -1 × 6 +2 × -3 +3 × 3 लैम्डा माइनस में 2 लैम्डा -23 अपॉन अंडर रूट ऑफ 6² -3² +3 लैम्डा² यही होगा बेटा।
अब ऐसा दिया गया है कि ये जो समतल है ये बेटा गोले को स्पर्श करते हैं, ये गोले को स्पर्श करते हैं, ऐसा हमको दिया गया है, ऐसा बेटा अपने को दिया गया है कि ये जो समतल हैं वो गोले को स्पर्श करते हैं। ये इक्वेशन वन में क्या लिखा हुआ था इधर बेटा, माइनस था कि प्लस था? प्लस था शायद, है ना, प्लस था। अब दिया गया है समतल एक गोले दो को स्पर्श करते हैं, तब स्पर्शता के प्रतिबंध से, तब स्पर्शता के प्रतिबंध से, नाउ सिंस इट इज गिवन दैट प्लेन वन टचेस द गिवन स्फीयर टू, सो बाय द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वी हैव, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, के गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए खींचे गए लंब की लंबाई गोले की त्रिज्या के बराबर होगी। तो लिख देते हैं बेटा, क्या हो जाएगा बेटा, P बराबर R, अर्थात P का मतलब तो क्या हो गया, 6 माइनस का, 6 ये माइनस का, 9 लैम्डा माइनस का, और ये भी नेगेटिव, या इसको उल्टा कर ले, नेगेटिव साइन कॉमन ले ले, तो प्लस 2 लैम्डा माइनस 23 अपॉन अंडरूट ऑफ 36 9 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू अंडरूट ऑफ 21, ये होगा बेटा। इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा आपके पास में, 6 और ये 23, हमारे पास में होगा 7 तो लैम्डा माइनस का, और 6 और 6 12 और 23 35, ये भी नेगेटिव ही रहेगा, अंडरूट में ये हो गया बेटा 45, और 9 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू अंडरूट ऑफ 21। इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो हमारे पास आएगा 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर
माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बेटा 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 49 माइनस 32 अपॉन 4। तो लैम्डा का मान हमारे पास होगा बेटा, इसको सॉल्व करने पर 4 और एक आएगा माइनस हाफ, अब लैम्डा के उपरोक्त मानों को समीकरण एक में रखने पर हमें अभीष्ट समतल प्राप्त होते हैं। नाउ ऑन रिप्लेसिंग लैम्डा इन इक्वेशन 1 वी गेट द रिक्वायर्ड प्लेन्स। लिखो बेटा फटाफट से इसको, इस सॉल्यूशन को जल्दी से लिखो प्यार बच्चों। अगला प्रश्न, अगला उदाहरण देखिए बेटा। उदाहरण 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, यदि गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर का कोई स्पर्श समतल निर्देशाक्षों को एबीसी अंतः खंडों में काटता है